गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू राजन व्लॉग्स। आप लोगों का स्वागत है लेह सिटी से। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और सुबह से यार कोशिश कर रहे थे वीडियो अपलोड करने की। आज इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही है एयरटेल में, यहाँ पे बहुत कोशिश की, नहीं हो पाई है वीडियो अभी तक अपलोड। अभी क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ एक लोकल सिम खरीदता हूँ, तो उसके बाद देखता हूँ उससे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली अगर वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, आपको पता लगेगा हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे हैं। ठीक है जी, लेह में है और ये हमारे लद्दाख ट्रिप का आज पांचवा दिन है। आज ही हमारा पांचवा दिन है गाइज, और अभी हम लोग जा रहे हैं वैसे तो लोकल लेह को एक्सप्लोर करने। शांति स्तूपा जाएंगे और लेह पैलेस भी जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं मार्केट जाएंगे। कुछ हमें वो जेरी कैन भी लेनी है फ्यूल के लिए, क्योंकि कल हम यहाँ से निकलेंगे खारदुंगला होते हुए नुब्रा और बाकी पूरा लद्दाख एक्सप्लोर करने। ठीक है जी, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी वीडियोज़ के लिए आप लोग देखिए, जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए मेरे चैनल पर, पता लगेगा आपको कहाँ कहाँ के ट्रिप मैंने किए हुए ऑलरेडी। ठीक है, बाकी बाइक हमारी यहाँ खड़ी है दोनों की बाहर, कल रिपेयर करा ली थी बाइक आदर्श वाली भी, और कैंपर में लेके आए थे बाइक, तो कोई डैमेज नहीं हुआ किसी तरह का, बिल्कुल सही सलामत बाइक्स हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, एक ही बाइक लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पास में ही जाना है। चलिए जी, चलिए चलिए। कुछ नहीं लेना आपने, बैग वैग कुछ नहीं लिया? कुछ सामान तो लेना नहीं है। चलो फिर, आरसी वगैरह रख। हाँ ठीक है, मौसम देखो यार, कभी एकदम से धूप निकल जाती है, कभी छाव हो जाती है, कभी एकदम तेज़ हवा चलने लग जाती है यहाँ पे ना। ठंड तो है अभी, 7-8 डिग्री का टेम्परेचर है। अभी हम लोग गाइज आए हुए हैं लेह की मार्केट में, और मैं ना वहाँ से होटल रूम से अपने जैकेट पहन के आया था, बट यहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही है। देखो जैकेट मैंने हाथ में ले ली है अभी, और आज संडे है तो थोड़ी थोड़ी शॉप्स बंद हैं और थोड़ी थोड़ी शॉप्स खुली हैं, तो देख लो मार्केट का नज़ारा एक बार। चलें, चलिए इसको। हाँ टांगे। अभी हम लोग ना शॉप ढूंढ रहे हैं जिसपे हमें सिम मिल जाए, तो वो सिम क्या है कि नुब्रा उबरा सब जगह चलेगी, वैसे तो यहाँ पे एयरटेल का पोस्टपेड चल रहा है, बट आज क्या है कि वही इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है ना। काफ़ी खूबसूरत मार्केट है और बहुत मैनेज वे में लग रहा है। हाँ। कहीं मतलब कुछ ऐसे गार्बेज नहीं फेंका हुआ है, गंदगी नहीं बिल्कुल। हाँ, लोग भी ऐसे बहुत सिविलाइज टाइप के लग रहे हैं, शांत टाइप के, यहाँ पे हेल्पफुल है। इधर पूछते हैं ना। हाँ भैया, सिम कार्ड किधर मिल जाएगा यहाँ पे लोकल? नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से लास्ट में जो है ना। हाँ जी, यहाँ से लास्ट जाएगा ना, थोड़े से लेफ्ट ले लेना, उधर ही मिल जाएगा आपको सिम कार्ड। अच्छा, इधर एयर एयर टेन का भी है उधर, आगे जाके इधर लास्ट में जो है ना। जी लेफ्ट ले लेना। ठीक 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 है, थैंक यू। ऊपर है वहाँ से ले पैलेस। सिम तो हमने ले लिया है, 500 रुपीज़ का सिम आया, जियो का प्रीपेड मिला है यहाँ पे, आदर्श ने लिया है एयरटेल का, क्योंकि इनके पास जो पोस्टपेड है वो जियो का है, मेरे पास पोस्टपेड एयरटेल का है, तो दोनों के पास दोनों नेटवर्क हो जाएंगे, तो कहीं पे भी आगे कोई दिक्कत आएगी तो हम मिलजुल के काम चला लेंगे। अभी जैसे ज़रूरी भी है कम्युनिकेशन के लिए कोई एक यहाँ का लोकल सिम, और खासकर ये है कि इंटरनेट में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हमने सिम लेना ज़रूरी समझा। मार्केट में अब थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है, जैसे थोड़ा दिन बढ़ा है ना, 12 बजे के आसपास का टाइम है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, हल्का सा ठंड, हल्का सा ऐसे गर्मी मतलब। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं दोरजे भाई की ट्रैवल एजेंसी में, तो वहाँ पे परमिट के लिए बात करनी है कि परमिट कैसे इशू होगा, ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। सामने लेह पैलेस दिख रहा है यार, हम लोग गए नहीं। चलिए चलते हैं ऊपर, एक बार परमिट का काम हो जाए फिर चलेंगे। हाँ। ना एक बार थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर किया जाए ले, काफ़ी खूबसूरत जगह है। हाँ अभी तो टाइम है, घर शाम तक का टाइम है, तो पहले परमिट का काम हो जाए फिर हम लोग जाते हैं शांति स्तूपा और लेह पैलेस। बाकी सब बढ़िया है, मज़ा आ रहा है अभी तक तो। एक महीने की वैलिडिटी वाला सिम है ये, 1.5 GB डेटा पर डे जियो में, और एयरटेल में 1 GB पर डे। हिंदी समझते हो? नाम बताओ अपना, नाम बताओ। इसका मुझे नाम समझ में नहीं आता। जिग्नेश सिंह है। तो गाइज ये हैं हमारे पीछे हमारे दोरजे भाई, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा इनको, ये इनकी शॉप है, और इन्होंने यहाँ पे ये ट्रैवल एजेंसी का काम भी शुरू किया है, और ये सब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिकते हैं,
दोरजे भाई, क्या हाल है आपके? बस सर, आपको जी, काफी लोग पहचानते हैं जिन्होंने पहले वीडियोस देखे हैं। जी, थैंक यू, सब लोग मुझे। तो मैं इस बार भी इन्हीं के पास ही रुका हूँ। और ये जो है मुंडा, ये दोरजे भाई का बेटा है छोटा। आज इसके स्कूल में कोई फंक्शन था तो ये इसलिए ऐसे रेडी होके गया था, है ना? क्या किया आपने आज? क्या किया फंक्शन में? कुछ किया? खाना खाया? बस खाना खाया। ये क्यूट है बड़ा, अच्छा लग रहे हो आप। खड़े होके दिखाओ अच्छा एक बार। ये बात देखो, ये लद्दाखी ड्रेस पहनी हुई है इसने ना। गोल घूम जाओ ऐसे करके, घूम के दिखाओ पीछे। हाँ शाबाश, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। गाइस अभी हम लोग आए हैं लंच करने आज का, तो हमारे दोरजे भाई लेके आए हैं एक रेस्टोरेंट पे। ये मेन चौक पे ही रेस्टोरेंट है। क्या नाम है इसका दोरजे भाई? इसका जंस्ती रेस्टोरेंट, लद्दाखी किचन। अच्छा अच्छा, तो ये हमने यहाँ पे वेज थाली ऑर्डर की है। इसमें राइस है, ये मिक्स वेज आलू गोभी होगी शायद, सैलड है, दाल है, चपाती है, पापड़ है, और ये चटनी है। यहाँ पे चटनी कौन सी होती है? चटनी तो टमाटर की चटनी। अच्छा, ये यहाँ पे है दीदी जिन्होंने खाना बनाया पूरा। और ये भी, ये क्यूट गाय भी हमारे साथ ही बैठा है यहाँ पे। चलिए गाइस खा लेते हैं खाना और फिर दोबारा से मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है? चलो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ले पैलेस। ये है सामने की तरफ ले पैलेस, अभी इसके अंदर जाते हैं। और देखो यहाँ से नज़ारा देखो यार, क्या फैंटास्टिक व्यू आ रहा है। ले दिखाई दे रहा है पूरा, यहाँ से उधर तक, पूरा दूर तक ले है। ये देखो जी, इस तरफ से हम लोग आए हैं, बाइक भी उधर ही खड़ी की है। यहाँ पे ना क्या है, फेस को ना कवर करना ज़रूरी है क्योंकि पूरी ना स्किन बर्न हो जाएगी। वैसे तो मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई है बट फिर भी कवर करके चल रहा हूँ। ऐसे गर्मी लग रही है, दिन का टाइम तो काफ़ी। टिकट लगेगी आई थिंक, यहाँ ना टिकट का चार्जेस एक बार पूछते हैं चल के। ले पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से देखो नज़ारा कैसा दिखाई देता है। ये पूरी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। नज़ारे तो पीछे साइड, अभी जाके देखते हैं। और यहाँ से देखो पूरा ले सिटी का नज़ारा है भाई साहब, पूरी डेजर्टेड माउंटेन से सामने देख रहे हो, पूरा ऐसा लग रहा है रेत के पहाड़ हैं। और वहाँ पे देखो स्नो दिख रही है सारे पहाड़ों के ऊपर। और नीचे देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी दिखाई देती है। ये एक बड़ी पार्किंग है। और ये रहा ले पैलेस, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। 16th सेंचुरी में ये बना था, 1635 आई थिंक। नीचे एक यहाँ पे बायोग्राफी चलती रहती है यहाँ के बारे में, पूरा बताते हैं। एक LED पे स्क्रीन पे चल रही है पूरी स्क्रीन प्ले यहाँ पे, कि कैसे कैसे बना था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। लकड़ी आती थी जंस्कार से भी, और पूरे लद्दाख से जगह जगह से लकड़ी आई है इसको बनाने के लिए। जंस्कार वाली लकड़ी को क्या करते थे, नदी में बहा देते थे। उसके बाद यहाँ पे नीमू एक जगह है, वहाँ से नदी से उसको लकड़ी को ले लिया जाता था। तो ये सब यहाँ की बातें हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है नीचे की तरफ। गाइज आ चुके हैं ले पैलेस के टॉप फ्लोर पे। ये देखो यहाँ से कैसा दिखता है, ये सब नीचे की इसकी बिल्डिंग्स हैं। और पूरा यहाँ से ले सिटी का नज़ारा है, आसपास का पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हो। देख रहे भाई साहब, व्यू देख रहे हो, व्यू। अब गाइज हम लोग आ चुके हैं शांति स्तूपा विजिट करने। काफ़ी हाइट पे है ये, मैं एक बार बहुत पहले आया था, आज यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। आदर्श भाई की बाइक को भी टेस्ट कर लिया हमने यहाँ तक आने में, गियर वेयर लगा के सब कुछ। क्यों भाई? हाँ कैसा रहा परफॉर्मेंस? बढ़िया है। MT ब्लॉक्स, सांस फूल रहा है। 30 रुपये की एंट्री टिकट है यहाँ पर पर्सन। और ये नज़ारा है, ऐसे ऊपर जाके वहाँ है ऊपर शांति स्तूपा। यहाँ से और भी अच्छा नज़ारा है, हम और भी ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं ले पैलेस के मुकाबले। वो वहाँ पे ले पैलेस है, वो नीचे है यहाँ से काफ़ी। ये काफ़ी हाइट पे अभी तो चालू ही किया है। हाँ, और काफ़ी सांस फूल रही है। बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, धूप भी ना बिल्कुल फिल्टर हो के आ रही है धूप। क्रिस्टल क्लियर, बिना पोल्यूशन वाली धूप। हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं शांति स्तूपा पे। और देखो यहाँ मेरे पीछे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, फ्लाइंग ऑफ ड्रोन कैमराज आर प्रोहिबिटेड नियर द विसिनिटी ऑफ
लद्दाख शांति स्तूपा। ड्रोन हम यहाँ पे फ्लाई नहीं कर पाएंगे, वैसे मैं अपने बैग में लेके आया था। शांति स्तूपा आप लोग देख लीजिए यहाँ से, यहाँ से गाइज आप लोग पूरा लेह का नज़ारा देख सकते हैं। हम लोग थे पहले कहाँ पे थे, वहाँ पे वो लेह पहले से वहाँ पे, ठीक है, वो काफ़ी नीचे दिख रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ से और भी अच्छा पूरा पैनोरामिक व्यू है, यहाँ से देखो बहुत अच्छा नज़ारा है, देख रहे हो नज़ारा शांति स्तूपा का मेरे पीछे से। आदर्श बाबू, हाँ सर, सांस आ रहा ठीक से? ऐसा लग रहा है कि मौत को छू के टक से बाहर आ गया। अच्छा, अभी चेक किया था मैंने हार्ट रेट, हाँ, तो 175-180 जा रहा था। क्या बात कर रहे हो, क्योंकि वेट काफी ज्यादा इंक्रीज आपको कर वेट, वेट कम करने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग को याद होगा मैंने केदारनाथ भैया के साथ ट्रैक किया था, हाँ, तो आई थिंक सोनप्रयाग से, हाँ, 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस भी हम लोग ने एक्स्ट्रा पैदल गए थे, हाँ, पैदल गए थे, हाँ, और टेंट लेके गए थे, तो मस्ती में चढ़ भी गए थे और वापस भी आ गए थे। बट अभी थोड़ी सी जज्बात बदल गए हैं, समय बदल गया है, डबल हो गया, वजन बदल गया है। धूप गाइस बहुत तेज है यहाँ पे ना, बहुत तेज धूप लग रही है। अभी बोलने के लिए उतारा है मैंने तो भैया, ऐसे नाक पे लगा के रखा हुआ है, स्किन पूरी बर्न हो जाएगी जब तक वापस जाएंगे यहाँ से। हाँ, उस तरफ का नज़ारा भी देखने चले। चुके हैं शांति स्तूपा घूम के, उसके बाद हम लोग गए थे लेह की लोकल मार्केट में, और लोकल मार्केट से देखो हम क्या लेके आए हैं। हम लाए हैं दो फ्यूल कैन, ये मैं लाया हूँ अपने लिए और ये आदर्श बाबू बांधेंगे इसको, और ये वाली मैं क्यों लाया हूँ क्योंकि मेरे पास जो आगे मेरे जो वो लगते हैं ना ट्रेल पैक्स के बैग हैं, बैग्स दिखाता हूँ देखो, जो हिमालयन के टैंक के फ्रेम पे लगते हैं ना ये वाले बैग्स, ये रखे हैं। इस ये जो बैग है ये पूरा उस बॉटल के साइज़ का बना हुआ है, वो उस कैन के साइज़ का बना हुआ है, तो इनमें से एक बैग में मैं वो कैन रख के ले जाऊंगा, इसका एक सामान मैं दूसरे अपने बैग में डाल दूंगा। तो ये होगी फ्यूल की तैयारी कल के लिए जब हम निकलेंगे यहाँ से। और दूसरा ये कि परमिट भी हमारा बन चुका है, परमिट हमने बनाया ऑनलाइन, मैंने बनाया बल्कि, तो मैंने अपना और आदर्श का एक साथ बनाया, 8 दिन का परमिट हमने लिया है। उसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 1124 रुपये, ऑनलाइन पेमेंट हो गया था, और डाउनलोड करके फ़ोन में ही उसको सॉफ्ट कॉपी ही दिखानी है सभी जगह पर। डोमेस्टिक जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉपी ही चलेगी सब जगह, तो फ़ोन में सेव कर लिया है। और गाइस दूसरा ये कि परमिट बनाने की जो वेबसाइट है वो मैं अभी स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से आप लोग जाकर डोमेस्टिक अगर है आप हैं लोकल इंडिया से कहीं से भी आ रहे हैं तो आप वहाँ जाके अपना परमिट बना सकते हैं इजीली, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इंटरनेट से मुझे अभी भी जूझना पड़ रहा है, वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो रही है, वापस आके मैंने दोबारा से इसमें अभी वाईफाई कनेक्ट किया है, नहीं हो रहा है, पर कनेक्शन बार बार ये 37% हुई है, सुबह से वहीं के वहीं रुका हुआ है 36-37 पे। अफसोस आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसीलिए काफ़ी लोगों के डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि राजन भाई वीडियो कब आएगा, बट मैं क्या बताऊँ यार इंटरनेट ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। गाइज अभी ना रात का टाइम है और हम लोग आए थे दोरजे भाई के गेस्ट हाउस की छत पे, तो यहाँ पे भी इनके काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं, तो एक बार मैंने सोचा आप लोगों को इनके गेस्ट हाउस का टूर करा दूँ। तो अभी कुछ रूम्स क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रेनोवेशन चल रही है, देखो एक ये रूम है, उधर वॉशरूम है, और इस तरफ भी सब साथ साथ ही रूम्स बने हुए हैं, इधर भी उधर भी ऐसे, सामने भी एक बड़ा रूम है, और यहाँ से ना नज़ारा ऐसे आता है देखो रात को। हम लोगों का जो रूम है वो ये वाला है ना, ये वाला रूम है हमारा नीचे की तरफ, ये वाला बाइक्स आगे लगी हुई है, बाइक्स आगे रोड पे लगी है। एक देखो एक वो वाला रूम भी दिखा दूँगा आपको। दोरजे भाई छत पे क्या बनाया हुआ है आपने? वैसे ही ओपन टेरेस है, बैठ सकते हैं जाके? अभी नहीं, अभी नहीं बना, अच्छा बना रहे हो अभी आप? अच्छा, ये छोटा सा मंदिर है, ये टेंपल है इनका छोटा सा यहाँ पे, और ये मंदिर है ना आपका? हाँ, ये इनका मंदिर है। हाँ कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अभी ये वाला एक रूम दिखाता हूँ आपको, बड़ा रूम है ये इनका सेकंड फ्लोर है एक्चुअली, देखो ये काफ़ी बड़ा रूम है, वो वॉशरूम है, ये देखिए इसमें भी कुछ कुछ काम अभी कर रहे हैं, कारपेट इनको चेंज कराना है। यहाँ से भी व्यू आता है बहुत अच्छा, अभी खैर रात है अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं।
अभी जाएंगे इससे नीचे वाले फ्लोर पे, वो भी आपको दिखाऊंगा फिर। अभी हम लोग आ गए इनके फर्स्ट फ्लोर पे, तो एक ये फैमिली रूम है, ये आपको दिखा देता हूँ। अभी ये खाली है, ये देखिए एक डबल बेड यहाँ पे, सोफ़ा लगा है, LED भी लगा है, यहाँ से भी बाहर का व्यू आता है, और एक बेड इस तरफ है, वॉशरूम वो है। यहाँ पे किचन का सेटअप है पूरा, अगर आप लोग आएँ तो अपना कुछ स्टोव चूल्हा रख के अपना खाना वाना बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 रूम यहाँ पे भी हैं इस फ्लोर पे भी। एक ये रूम है, छोटा रूम देखिए, डबल ऑक्यूपेंसी, वॉशरूम वहाँ पे। ये क्या है दौड़जी भाई, कॉमन वॉशरूम है क्या? नहीं, ये अच्छा रूम है ये भी। अच्छा ये कैसे बनाया हुआ आपने, ये तो बड़ा अलग से बनाया। अच्छा गाइस ये देखिए कि हिडन रूम है, हिडन रूम, ये देखिए छोटा रूम है, ये ऐसे करके वहाँ से एंट्री करके आए हम लोग, और ये इसका टॉयलेट हो गया। ये देखिए जी क्या शानदार प्रॉपर्टी है ना, हम लोग को तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा यार, और शांति तो। एक ये सामने वाला रूम है, मैं कभी बहुत पहले आया था तो मैं इस रूम में रुका था, ये मुझे याद आ गया, इस रूम में रुका था, ये वॉशरूम था सामने ना, कॉमन वॉशरूम था यहाँ पे। एक रूम ये भी देख लीजिए, इधर से बाहर का व्यू आता है, और ये वॉशरूम। काफ़ी सारे रूम्स हैं गाइस यहाँ पे ना। दौरजे भाई जब मैं पहली बार आया था ना, आपको याद नहीं होगा पर मैं इस वाले रूम में रुका था। अच्छा। और ये वाला वॉशरूम था, ये मुझे याद है। अच्छा, मैं ये कर रहा था। हाँ जी, भैया ने काफी सारी चीजें छुपा रखी हैं। हमें तो सिर्फ ट्रेलर दिखा के ही भरा रहे थे। हमारा मुझे लग रहा है कि हमारा कमरा सबसे ज्यादा वैसा वाला था, बाकी सारे रूम तो आपके और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लग्जरी रूम्स हैं सारे। हाँ, एक बड़ा सा मिरर है देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छे से बना रखी है प्रॉपर्टी। आज आप लोगों को मैंने ये पूरी दिखा दी है, और इसके नीचे वाले फ्लोर पे आपका खुद का घर है ना, नीचे इससे नीचे वाले पे नीचे। पूरा सभी आपका है, वहाँ पे भी रूम है कोई? हम वही 5 रूम हैं। अच्छा आप लोगों के हैं सारे वो? अच्छा चलो ठीक है गाइस, देख लिया आपने पूरी प्रॉपर्टी देख ली, आई होप आपको पसंद आएगी। बुकिंग करने के लिए आप दौरजे भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ मैं, बहुत ही नाइस पर्सन है। और भी किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, बाइक रेंट पे चाहिए हो, या पे टैक्सी बुकिंग करानी हो, तो हर चीज़ के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दौरजे भाई को, ठीक है जी। चलो गाइज, अभी हम लोग आए हैं दौरजे भाई के घर में नीचे, उनके यहाँ पे आज इन्होंने डिनर हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या डिनर है। वैसे तो इन्होंने बोला था कि लद्दाखी खाना आपको मैं आज खिलाने की कोशिश करूँगा, बट वो कह रहे थे शायद आपको पसंद आए, तो साथ में उसका सब्स्टिट्यूट भी रखेंगे, जैसे राजमा राइस रखे हैं और बैंगन की सब्ज़ी तो अभी मुझे दिख रही है, बाकी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। देखो दिखाइए अदर्श जी, यहाँ पर पहले तो चपाती, ओके ठीक है, इसको अपन साइड कर देते हैं। ये हमारे पास है राइस, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमारे पास राजमा, ठीक है ठीक है। ये भाई हमारे पानी ला चुके हैं, तो पानी तो सबको जानता ही होगा। और ये है बैंगन की सब्जी, ओके, ये लद्दाखी स्टाइल में बनी हुई है। हाँ, कुछ अलग लग रहा है। और ये गाइज इनका यहाँ पे ना सिटिंग स्पेस है पूरा, ये घर है एक्चुअली, और यहाँ पे शायद इनकी किचन है, और आगे भी पूरा घर है इनका। आप उस तरफ काफ़ी अच्छा है, ये देखिए। और अभी अपन लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, और ये भी सेटअप काफ़ी अच्छा है, कुछ इनोवेटिव टाइप का। सैलेड भी ले आए हैं भाई साहब हमारे, सुरेश भाई, व्यवस्था पूरा टाइट है देखिए। चलिए गाइस, आज का डिनर हम लोग कर लेते हैं। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही था, इसके बाद कल सुबह हमारी जो पूरी लद्दाख एक्सप्लोर वाली सीरीज़ है वो शुरू होने वाली है कल, और यहाँ से हम निकलेंगे। वैसे तो प्लान है कि 7:30 या 8 बजे के बीच बीच में हम लोग यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद जो भी होगा आप लोगों को कल वीडियो में देखने में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। गुड नाइट, जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है आदर्श भाई, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लग रहा है, और अपलोड करने में उससे ज़्यादा मेहनत लग रहा है, क्योंकि यहाँ नेट का कनेक्टिविटी थोड़ा सा डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। आज तो गाइस मतलब कल रात से लेके अभी तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। चलो खैर कोई नहीं,
जैसे जैसे कर देंगे। बाय।